तैयारी कर रही हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए भी पढ़ रहे हो सकता है आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या उसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो हड़ताल देखने वाले सारे भाइयों ने दीपक दे आई राम राम सब ने बेरा। 2-3 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया है जिसमें हरियाणा की छोरिया ने चला पढ़ रखा है, चौकर देना प्रशंसा होने लाग रही है। इस समय अपने रोट काम में तो अपनी बाण है एक प्रतिभा दैया जिसकी 55वीं रैंक आई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जो कि बता रही है बिना कोचिंग के आई है। इन्होंने 2020 में भी यूपीएससी का पेपर क्लियर कराया था जब 241वीं रैंक थी। और मैं आपने एक और बात बताना चाहूँगा, वर्तमान में भी हैदराबाद में आईपीएस की तैयारी ट्रेनिंग करने ला रही है बाण रूढ़ी थे अपना इंटरव्यू दिया जो क्लियर होगा 55वीं रैंक आई है। और इनकी स्टडी के बारे में आपने बताना चाहूँगा, 12वीं तक की स्टडी इन्होंने राय स्पोर्ट्स स्कूल मोतीलाल नेहरू से की है। ग्रेजुएशन जो है दिल्ली की लेडी श्रीराम कोहली से और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय से। तो इनसे बातचीत तो डायरेक्ट नहीं हो पाई, इस बार ने वीडियो बनाकर अपने जो हरियाणा के और पूरे देश के युवा है उनको एक संदेश देने का काम कराया। पूरी वीडियो में बने रहे इस बाण का पूरा संदेश देखे जिसने इतनी मेहनत करके एक बार नहीं बल्कि दो दो बार देश की सबसे बड़ी परीक्षा में पास होकर दिखाया रैंक 55वीं रैंक, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहे, बाण का पूरा संदेश। 2021 में मेरी 55th रैंक है, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर मेरी रैंक 214 थी जिसके बेसिस पे मुझे आईपीएस सर्विस एलोकेट हुई थी। मैं 2 महीने पहले आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद आई थी, इंटरव्यू मैंने यहीं से दिया है। मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूँ, मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी रहेगा, स्पेशली लड़कियों को और जनरली सबको जो भी यंगस्टर्स हैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए ही पढ़ रहे हो सकता है आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या उसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो हो सकता है आपका सपना हो। तो मेरा आपके लिए ये मैसेज रहेगा कि बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे फैमिली वाइज आप देखें, फाइनेंशियली हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, पर्सनली लाइफ में हो सकता है सब ठीक ना चल रहा हो, तो इश्यूज चाहे जितने भी हों आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा होना चाहिए। जो सामने मुश्किलें हैं आप उस पर फोकस ना करके आप आगे फ्यूचर का ऐसे सोचें कि आज मुझे बहुत बड़ी बात लग रही है, हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद ये कुछ भी ना लगे, तो आप कंटिन्यू रखें। बेसिकली अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपको किस्मत पे भी भरोसा होना चाहिए, भगवान पे भी भरोसा होना चाहिए कि चाहे फिलहाल कितना भी कुछ भी गलत चल रहा हो सब हो जाएगा ठीक इवेंचुअली। तो आप अगर आप ऐसा करेंगे तो सामने जो मुश्किलें हैं वो आपकी फोकस को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने काफी स्ट्रगल किया कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कहीं से कोचिंग नहीं ली। एक बहुत मेजर परसेप्शन ये रहता है कि आप ये एग्जाम बिना कोचिंग के क्लियर नहीं कर सकते, जो मुझे अपने केस में लगा कि ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ही ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है और आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और एक एक्सटर्नल आप सोचते हैं कि कोई एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म हो या कोई एक्सटर्नल गाइडेंस आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ले सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के कि आपको बहुत ज्यादा किसी से बाहर पूछने की जरूरत है। थोड़ा सा हर एग्जाम की हर स्टेज को स्मार्टली टैकल करने की जरूरत है। सबसे जरूरी तो यही है कि कंसिस्टेंसी, आप कोशिश करें कि आप एक सिंगल माइंडेड एक फोकस आपका रहे सारा टाइम। आप अगर आप आपने पूरा इस बाण का संदेश सुन लिया के टिप्स दी है, राय दी है, इन फॉलो कर आप यूपीएससी नहीं और कोई भी परीक्षा आसानी से पास कर सको हो। मैं उम्मीद करूँ हूँ सबने पूरी वीडियो देखी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ने लाइक कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबाइयो। इसी के साथ विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।